हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुखसाना। यू आर वॉचिंग माई चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ योगर्ट फ्रूट बार, जो बहुत मज़ेदार होगी। तो चले फिर रेसिपी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याले के करीब योगर्ट ले लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ही हनी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे नमक, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसको एक खूबसूरत डिश में जो है वो सारा पोर कर लेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी डार्क चॉकलेट लेंगे और उसको इस तरह से ग्रेट कर देंगे। इससे ये बहुत ही खूबसूरत और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मैंगोज़ लिए हैं, आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं जिससे आप योगर्ट बार जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो मैंगोज़ को यहाँ पे मैंने स्लाइस में काटा है, वो इसमें थोड़े से हम इस तरह से डाल देंगे। बादाम लिए हैं, बादाम को भी हम सेंटर से काट के तो इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देंगे। और कुछ मैंने किशमिश लिए हैं, वो भी मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और थोड़े से पिस्ता भी जो है वो मैंने बारीक चॉप करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं, और हल्का सा इसको हम टैप कर देंगे ताकि ये योगर्ट के अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। और अभी इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें, 4 से 5 घंटों के बाद हमारी योगर्ट फ्रूट बार जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको इसमें से निकालते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखें जी, हमारी मज़ेदार और कलरफुल योगर्ट फ्रूट बार जो है वो तैयार है। तो अभी इसको अनकवर करते हैं। तो ये देखें जी, लग रही है ना खूबसूरत। तो ये देखें जी, योगर्ट बार जो है वो कैसी अच्छी सेट हुई है। इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार योगर्ट फ्रूट बार जो है वो तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी सीजनल फ्रूट लेके तो योगर्ट बार जो है वो तैयार कर सकते हैं। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।